लुपजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। फिट इंडिया मूवमेंट 24 सितंबर को इसके एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कई हस्तियों से बात की। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने क्रिकेटर विराट कोहली, पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया, मॉडल, रनर और एक्टर मिलिंद सोमन, न्यूट्रिशनिस्ट रयुता दिवेकर, फुटबॉलर अफशान आसिक समेत कई हस्तियों से बात की। अब इस दौरान पीएम मोदी ने मिलिंद सोमन से एक सवाल किया जो बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है। सवाल पूछा हल्के फुल्के अंदाज में। पीएम मोदी ने कहा कि ऑनलाइन जो आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है वही उम्र है या कुछ और है? पीएम मोदी के सवाल का मिलिंद सोमन ने हंसते हंसते जवाब दिया। क्या बातचीत हुई, क्या जवाब था, सुन लीजिए खुद। देखिए मिलिंद जी, आप अपने तरीके से मेक इन इंडिया के बहुत वोकल समर्थक रहे हैं जी। मेड इन इंडिया नाम पर आपकी किताब भी काफी पॉपुलर हुई है जी। मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूं आपको। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है जी, वही उम्र है कि कुछ और है? लोग मेरे हिसाब से, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो दिस इज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूं, और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो? तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। और मैं ये सोचता हूं कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है। फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है? हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे। वो चलते थे 40 किलोमीटर चलते थे, 50 चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में या जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकथन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है, और उनकी उम्र होती है 60-65-70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हम, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं, मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी, आपने सही कहा, फिटनेस नोज नो एज, नो लिमिट, और ये सच्चाई है। और मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिपिंग फॉरवर्ड किया था। अरे वाह, तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, क्योंकि वो 81 उनका बर्थडे था और वो 15 पुलअप्स कर रही है, पुशअप्स जी, बिल्कुल पुशअप कर रही हो। मैं जी, हम एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं जी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की, उन्होंने किलिमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे, वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए,
स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए जो आज वो रोज करती है। तो मिलिंद जी, आपकी माता जी को मेरा विशेष प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी रहे जी, और बचपन में हम लोग, मुझे तो बराबर, मैं अपने गांव में मेरी फिजिकल एक्सरसाइज का एक ही क्षेत्र था, छोटा सा तालाब था, वहीं स्विमिंग करने चले जाना, वही हमारा जिम था। और ज्यादातर गांव के बच्चों के लिए तो यही होता है, लेकिन आपने इसको एक फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा के रूप में प्रमोट किया, मैं इसको पसंद करता हूं और मैं आपको बधाई देता हूं। तो पीएम मोदी और मिलिंद सोमन से बातचीत ये रही। मिलिंद दौड़ते हैं, अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, आयरन मैन हैं, बहुत सारे लोगों के आइकन हैं। और पीएम मोदी ने भी अपना वीडियो निकाला था योग करते हुए, वॉक करते हुए, याद होगा आप लोगों को। और ये थी खबर, उमा लेकर आई थी, मैं सिद्धांत हूँ और आप ललन टॉप देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।